Hello friends, welcome back to my channel ममता किचन रेसिपीज। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अब नवरात्रि आने वाले हैं, तो मैं आज फुल थाली तैयार कर रही हूँ नवरात्रों के लिए। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम व्रत में खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट रायता, व्रत स्पेशल फ्रेंच फ्राई, आलू की सूखी सब्जी और सिंघाड़े के आटे की पूरियां और फ्रूट चाट, जिनको हम व्रत में खा सकते हैं। तो आइए इन चीजों को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो हम देख लेते हैं एक बार। फ्रूट रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दही लिया है, इसको हम फेंट के तैयार कर लेंगे। और एक बनाना ली है जिसे मैंने छील लिया है। एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है एप्पल का, उसको मैंने छील के तैयार कर लिया है। आप इसमें किसी भी फ्रूट का यूज कर सकते हो सीजन के हिसाब, या फिर जो चीज आपके पास घर में अवेलेबल है उस फ्रूट को आप इसमें डाल सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि यही चीजें डालनी। और फ्रूट रायते के लिए यहाँ पे मैंने ली है पिसी हुई चीनी। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी व्रत स्पेशल फ्रेंच फ्राई, इसलिए मैंने आलू को काट के धो के रखा हुआ है। इनको मैं टावल पे सुखा लेती हूँ। और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू ली है जिनको मैंने उबाल के छील लिया है, एक हरी मिर्च और जीरा, व्रत का नमक, हल्दी, काली मिर्च और देसी घी है ये। मैं इस सब्जी को घी में बनाऊंगी, आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा, आलू और सिंघाड़े के आटे को मिला के मैं पूड़िया बनाऊंगी, आप चाहे तो इसकी रोटी भी बना सकते हैं। दो टमाटर जिनको मैंने पीस के प्यूरी बना ली है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे पूरी को फ्राई करने के लिए, और फ्रेंच फ्राई बनाएंगे हम उसमें। तो चलिए हम अपनी नवरात्र स्पेशल थाली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रूट रायता बनाऊंगी। यहाँ पे दही ली है, इसको हम फेंट लेते हैं। और साथ में इसमें डाल लेते हैं दो टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। उसके तो आप फ्रूट रायते के लिए मीठी दही का यूज करें, खट्टी दही का यूज ना करें। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, इससे जो हमारा दही का खट्टापन होगा वो खत्म हो जाएगा। दही हमारी अच्छे से फैट ली है। अब मैं इसमें जो एप्पल रखी हुई है मैंने छील के, इसको काट के डाल लूंगी। आप चाहो तो जितना आपको रायता बनाना है उस हिसाब से डाल सकते हैं फ्रूट्स। ऐसे में बनाना को काट के डाल लेते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा जो हमारा व्रत का नमक होता है वो डाल लेते हैं, हल्का सा, आप चाहे तो ना डालें। फ्रूट ट्राई था ये व्रत के दौरान हमें, या वैसे भी इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए आप व्रत में इसको जरूर खाएं। अच्छे से मिक्स कर लिया, अब मैं ऊपर से इसमें अनार के दाने डाल देती हूँ, इससे अच्छी गार्निश भी हो जाएगी। ये हमारा फ्रूट रायता बनके तैयार है, इसको साइड में रख देते हैं। और अब हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। पहले यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा
वर्क में जो सब्जी बनाती हूँ, देसी घी में बनाती हूँ, इससे टेस्टी बनती है सब्जी। इसमें डाल देते हैं, और इधर हम जो हमने फ्रेंच फ्राई के लिए आलू दो के कट करके रखे हैं वो सुखा लेते हैं टावल पे। अच्छे से पोंछ लेते हैं। आप चाहो तो इसको एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख के भी खा सकते हैं, इससे थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे ही बनाऊंगी। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा, जीरा चटक गया है। अब मैं इसमें जो टमाटर की प्यूरी वो डाल देती हूँ, क्योंकि हम इसमें लहसुन और प्याज का यूज नहीं करेंगे, व्रत के लिए बना रहे हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी हाफ टेबल स्पून से भी कम, क्योंकि मैं सब्जी थोड़ी सी बना रही हूँ। बिल्कुल हाफ आलू मैं यहाँ पूरी के लिए देती हूँ, और हाफ मैं इनमें काली मिर्च और नमक मिला के इसको तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून से कम नमक लिया है, थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च, मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च भी डाल दी हूँ इसमें। हरी मिर्च को बारीक कट कर लेते हैं। अगर आप इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए नमक और मिर्च अच्छे से मिक्स हो गया है, जो हमारे टमाटर की प्यूरी पक गई है। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। इसको हम एक दो मिनट और पकने देंगे। अब हम अपना पूरी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और सब्जी को हमें बाउल में निकाल लेते हैं। इसको ऑफ साइड में रख देते हैं, रायते को भी। इसको टिश्यू पेपर की सहायता से साफ कर लेंगे। अब मैं इसमें रिफाइंड डाल देती हूँ पूरी को फ्राई करने के लिए। ये सिंगाड़े काट लिया है, इसमें मैं आलू डाल के एक आलू लिया है यहाँ पर मैंने, और उसका एक टाइट आटा गूंद लेंगे हम। इसमें पानी का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें जो वर्त का नमक होता है वो डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। इधर गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं ताकि हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा।
इसकी जगह आप कुट्टू के आटे की रोटी भी बना सकते हैं, उसकी पूरियां बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से जो आपको पसंद हो वो चीज़ आप बना के खा सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, आलू से हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। इनको ढक देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा थोड़ा पतला गूंदा है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइट आटा रखना है अपना। इसकी लोइयां बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सिंगाड़े का सूखा आटा लिया है जिसको मैं लगा के अपनी पूरियां बेल लेती हूँ। ऐसे ही हम अपनी सारी पूरियां बेल के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह हमने अपनी सारी पूरियां बेल ली है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तेल हमारा गर्म है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं एक एक पूरी करके फ्राई करूंगी। आप इसके ऊपर तेल ऐसे डालते रहिए हल्का हल्का और हल्के से प्रेस करते रहिए। अगर व्रत के दौरान कोई पूरियां नहीं खाना पसंद करता तो आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं, परांठे भी बना के खा सकते हैं। और इस तरह हम अपनी सारी पूरियां तल लेते हैं। और इस तरह हमने अपनी पूरियां फ्राई कर लिए, पूरियां बन चुकी है। अब हम अपने जो फ्रेंच फ्राई है उसको बना लेते हैं। अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई बने हमारे। अब मैं इनको टिश्यू पेपर में निकाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे पहले। ये हमारी फ्रेंच फ्राई भी बन के तैयार है। अब मैं इन पे यहाँ पे जो मैंने व्रत वाला नमक लिया है वो डाल देती हूँ। आप चाहो तो हल्की सी काली मिर्च भी डाल लो इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लो। और अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ थाली में। यहाँ पे हमने फ्रेंच फ्राई के वो डाल लिए थे थाली में। और यहाँ पे मैं इसको फ्रूट चाट के लिए फ्रूट कट कर लेती हूँ। एप्पल, बनाना, आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट के लिए फ्रूट कट कर लिए। अब मैं इसमें पहले आधा नींबू लिया है इसको डाल देती हूँ, क्योंकि पहले नींबू डालने से तो मसाले हम कोई भी डालते हैं अच्छे से चिपक जाते हैं, कोट हो जाते हैं। अब इसमें नमक डाल लेते हैं और मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अनार और डाल देते हैं ऊपर से। ये पूरी आ गई थी ये रख लेते हैं इसमें। फ्रूट रायता,
थोड़े से नार के दाने और डाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे आलू की सब्जी हमारी, और ये हमारी नवरात्र स्पेशल थाली तैयार है। आप व्रत के दौरान इसको आसानी से बना के घर में खा सकते हैं, बहुत ही कम समय में बन जाती है और इससे आपको एनर्जी मिलेगी। जो हमारी फ्रेंच फ्राई और आलू की चटपटी सब्जी है, इससे हमारा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि व्रत में हम ज़्यादातर फ्रूट दूध वगैरह का सेवन करते हैं, जिससे हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो आप ये बना के खा सकते हैं आसानी से। और यदि मेरी व्रत स्पेशल थाली आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।